गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। है ना, मन लग रहा है पूरा? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग कल देखे आपका ये कि इस्लाम धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपका ये अगला जो टॉपिक है भारत पे अरब आक्रमण, है ना, भारत पे क्या अरब आक्रमण, बहुत बढ़िया, एकदम ध्यान से सुनते जाना है। अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण, है ना, इसको दूसरा टॉपिक मुस्लिम आक्रमण भी कहा जाता है, भारत पे अरब आक्रमण या भारत पर मुस्लिम, है ना, मुस्लिम आक्रमण, है ना, भारत पर अरब आक्रमण या फिर मुस्लिम आक्रमण। अब देखिए इसको एकदम बहुत कहानी की तरह हम बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग है कि इसको बड़ा आसानी भाषा में समझने और सुनने का काम कीजिए, ठीक है। चलिए, जो बंधु लाइव देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए, गप यहाँ पे ये करना है कि भारत का जो साम्राज्य है ये तो अभी आपका विभाजित भारत का, पहले तो भारत आपका यहाँ था, ईरान आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक के ये भारत की सीमा, ऐसे आप देखेंगे तो ये भी आपका म्यांमार भी आपका जो था भारत में ही था, ठीक है। अब ये आपका है तो यहाँ पे ये पूरा जो है अरब प्रांत है, ये क्या है अरब प्रांत है, है ना, और ये हो गया आपका क्या भारत, और ये हो गया आपका क्या श्रीलंका, है ना, तो ये श्रीलंका हो गया। अब अरब के पूर्वी प्रांत है इसका नाम है ईरान, अरब का पूर्वी प्रांत है इसका नाम क्या है ईरान, और ईरान का गवर्नर था इसका नाम है अल हजाज, है ना, ईरान के गवर्नर का नाम है अल हजाज, ठीक है, अल हजाज यहाँ गवर्नर का नाम है। अब देखिए ये जो है ना ये गुजरात प्रांत है, इस प्रांत का नाम क्या है गुजरात, ठीक है, और गुजरात का शासक का नाम है गुजरात का दूसरा नाम ये गुजरात है, उसको सिंध भी कहते हैं, ठीक है, और गुजरात के शासक का नाम है दाहिर, है ना, क्या नाम है दाहिर, ठीक है। अब दाहिर है, अब यहाँ पे कहानी सुनिए, मामला क्या है, सब लोकेशन बता दिए, श्रीलंका है, ये भारत है, भारत का एक पार्ट गुजरात है यानी सिंध है, ये अरब है, अरब का पूर्वी प्रांत है उसका नाम ईरान है, अब ईरान का गवर्नर है उसका नाम है अल हजाज, ठीक है। अब क्या है, ये श्रीलंका से उपहार आ रहा था अल हजाज का, श्रीलंका से उपहार आ रहा था किसका अल हजाज का, ठीक है, तो ये अरब सागर होते हुए किनारे किनारे आ रहा था, जैसे गुजरात के पास पहुंचा ना डाकुओं ने इस जहाज को लूट लिया, उपहार वाले जहाज को क्या कर लिया लूट लिया, कौन लूटा डाकू, डाकू है ना, कौन लूटा डाकू ने लूट लिया, लूट लेने के बाद जब है खाली नाव जब गया आपका ईरान यानी अल हजाज के पास, तो ये मैसेज किया गुजरात के शासक, गुजरात के शासक का नाम बताइए दाहिर, है ना, गुजरात का दूसरा नाम क्या सिंध, है ना, इसको बोला कि भैया तेरे सीमा पर मेरी नाव लूटी गई है, मेरा उपहार लूटा गया है, तुम उसको पूरा जगह लौटाने का काम करो और जो भी लोग इसमें शामिल है उसको दंडित करो। तो इधर से ये रिप्लाई दिया आपका ये दाहिर ने कि देखो भाई ये डाकू को किसी के अधीन रहता नहीं है और हमारे संज्ञान में ऐसा मामला आया नहीं है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जब ये बात बोला अल हजाज को गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया तो अल हजाज का भतीजा, है ना, अल हजाज का भतीजा या फिर दामाद, है ना, अल हजाज का भतीजा या फिर दामाद, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, है ना, कोई दिक्कत है ना, क्या नाम है, भतीजा और दामाद दोनों एक ही है, उसका नाम क्या मोहम्मद, ये इसका उम्र मात्र 17 वर्ष है, कितना उम्र है 17 वर्ष, अगर हम लोग कहेंगे तो नाबालिग, है ना, इस 17 वर्ष के उम्र पर इसके नेतृत्व में ये गुजरात पे अटैक हुआ, कहाँ अटैक हुआ गुजरात, और ये अटैक होगा 712 में, कब हुआ 712 ईस्वी में अटैक हुआ, ये भारत पहला से अरब आक्रमण कहिए या मुस्लिम आक्रमण कहिए, ये हुआ 712 में और आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक है। अब ये जब हुआ तो कहा जाता है इस युद्ध में दाहिर हार गया, इस युद्ध में दाहिर अब दाहिर को हारने के पीछे कई कारण है, कारण नंबर वन सबसे बड़ी बात है कि ये प्रजा का प्रिय राजा नहीं था, प्रजा को तंग करता था, प्रजा पे तरह तरह से टैक्स लगा करके प्रजा को शोषित करने का काम करता था, जैसे आपको बताए होंगे कि या पढ़ना है घनानंद एक शासक था,
जो 123 प्रकार का कर लगाया था अपने जनता पे, है ना। तो यहाँ के अधिकांश लोग जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले थे, इनको प्रताड़ित किया, तो ये लोग है जो कि कहा जाता है गुजरात की जनता दाहिर को सपोर्ट ना करके दे दिया सपोर्ट किसको, इसको मोहम्मद बिन कासिम को, है ना। मोहम्मद बिन कासिम को समर्थन कर दिया। अब इसमें है जो कि हार गया। अब यहां से एक और बातें आती है, बातें ये आएगी कि इसकी पत्नी है ना, किसकी पत्नी, दाहिर की पत्नी, दाहिर की पत्नी का नाम है लाडो, दाहिर की पत्नी का नाम है लाडो। इसकी दो को बेटी है, पुत्री है ना, दो पुत्री है, एक पुत्री का नाम है सूर्यमल देवी, सूर्यमल देवी, और दूसरी पुत्री का नाम है भारमल देवी, है ना। कितनी पुत्री था, दो पुत्री, है ना, सूर्यमल और भारमल। अब यहाँ पे दाहिर ने क्या किया, है ना, यानी दाहिर तो अभी युद्ध में मारा गया, है ना, इसकी पत्नी भी मारी गई। अब कहा जाता है ये मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम गुजरात में कत्लेआम मचाया, पूरा कत्लेआम मचाया। कहा जाता है कि अधिक उम्र की जितनी महिलाएं थी सबकी हत्या कर दिया, और जो कम उम्र की है देखिए करीब 20-17 के नीचे का था सबको नाव पे बैठा बैठा के भेज दिया है, जैसे ईरान सबको भेज दिया अलहजाज के पास। अब उसी भेजने के सिलसिले में इस सूर्यमल और भारमल को भी भेजा गया, किसकी पुत्री है, दाहिर, बहुत अच्छा। अब दाहिर को भी भेजा गया। अब यहाँ जब गया तो अब देखिए किताबों में अलग अलग ये आता है, विवाद वाली बात है ना। कुछ किताब कहता है कि सूर्यमल और भारमल देवी झूठी शिकायत कर दिया अलहजाज से, कुछ कहता है कि सही शिकायत किया, मैटर कुछ है मुझे उतना नहीं पता, लेकिन वो ये जा करके ये अलहजाज से शिकायत करेगी सूर्यमल और भारमल दोनों बहन कि मेरा अंग और भंग पहली, मेरा अंग भंग पहली हो गया, है ना, यानी मेरे साथ है जो कि गलत काम पहले ही मोहम्मद बिन कासिम कर लिया है। अब इस्लाम में गलत काम का माफी नहीं है, सीधा है जो कि मौत है, ठीक है। तो ये अब ये जब भी बोली, अब इसी पे गुस्सा आ गया अलहजाज को। अब अलहजाज अपने भतीजा और दामाद यानी मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, अब बुला करके फांसी दे दिया, इन्हें हत्या कर दिया, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपका, फिर यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात वाली बात। अब गुजरात पे है जो पहली बार गुजरात यानी भारत पहली बार इस्लाम धर्म के संपर्क में आया, पहली बार इस्लाम धर्म के संपर्क में आया, और मोहम्मद बिन कासिम भारत पे पहली बार जजिया कर 712 ईस्वी में लगाया। कब लगाया पहला जजिया कर? जजिया कर जानते क्या, जजिया कर होता है क्या, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स, है ना, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, यानी आप अगर इस्लाम कबूल कर लीजिएगा तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और नहीं कबूल कीजिएगा तो ये टैक्स देना पड़ेगा, ये चीजें होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो कि गया और जाने के बाद है जो कि ये इसको हत्या कर दिया गया। 712 में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को कहते हैं रावर का युद्ध, है ना, इस युद्ध को कहते हैं क्या, रावर का युद्ध, रावर के युद्ध। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उपहार कहां से आ रहा था, श्रीलंका, बहुत अच्छा है ना। और पूर्वी प्रांत का शासक कौन था, अच्छा पूर्वी प्रांत का नाम क्या है, ईरान, बहुत बढ़िया है ना। किसका पूर्वी प्रांत है, बहुत बेहतरीन। इसका भतीजा और दामाद का नाम क्या है, है ना, इसका उम्र कितना है, 17, ठीक है। और इसके श्रीलंका से जहाज जा रहा लूटा गया कहाँ पे, सिंध, गुजरात, है ना, सिंध या गुजरात के पास, गुजरात के शासक का नाम दाहिर, है ना, दाहिर की पत्नी का नाम लाडो, इसकी कितनी बेटी, दो, है ना, क्या क्या नाम, सूर्यमल और भारमल, ठीक है। अब जब ये आया सूर्यमल भारमल, है ना, और भारत पे जजिया कर कौन लगाया पहली बार, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। जजिया कर किससे लिया जाता है, गैर मुसलमानों से, है ना, क्लियर हुआ, है ना। तो ये अब यहाँ पे एक चीज आता है कि भारत पर जब मुसलमान आक्रमण यानी अरब आक्रमण हुआ तो इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि भारत युद्ध में घोड़ा का उपयोग कैसे करता है ये जाना। अभी तक भारत है जो कि युद्ध को मतलब सॉरी युद्ध में घोड़ा का उपयोग करना नहीं जानता था, ये सीखा, है ना। पर दूसरी बात है कि इधर से ये भी सीखेगा, जब दो लोग मिलता है तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो ये अरब वाला लोग सीखेगा ज्योतिषी का ज्ञान सीखेगा, है ना। जैसे अंतरिक्ष अंतरिक्ष का अपने बड़ा मिहिर और ब्रह्मगुप्त वगैरह ऐसे पहले के थे, आर्यभट्ट है तो ये सब जानते थे, है ना। तो ये ज्ञान यहाँ से ये ले जाने का काम किया, ठीक है, धन्यवाद। ये रहा आपका अरब, ठीक है, अरब आक्रमण।